हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर एकेडमी यूट्यूब क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वायरस एंड वायरल डिसीजेस बाय सिद्धांत पाठक। तो देखते हैं वायरल डिसीजेस कौन से हैं। उससे पहले हम थोड़ा वायरस के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, वायरस इज अ सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इसका अर्थ क्या है, मतलब कि वायरस एक माइक्रोस्कोपिक में सब लगा हुआ है। सब माइक्रोस्कोपिक मतलब कि बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे उससे भी छोटा है, जितने माइक्रोस्कोपिक होते हैं उससे भी ज़्यादा छोटा है। इन्फेक्ट करता है, एजेंट है, इन्फेक्ट करेगा आपकी बॉडी को और आपकी बॉडी के अंदर जाके रेप्लिकेट करेगा, मतलब एक से दो, दो से चार, चार से आठ, से सोलह हो जाएगा और आपके बॉडी के सेल्स में जाके वो ये काम करेगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा यानी कि रेप्लिकेट होगा, तब आपके बॉडी में इन्फेक्शन होगा और आपको बीमारी हो सकती है। जो बीमारी होगी उसे हम वायरल डिसीज कहेंगे। Viruses can infect all types of life forms from animals and plants to microorganisms। मतलब आप में, humans में ये बीमारी हो सकती है, जानवरों में वायरस जा सकते हैं, plants में भी वायरस जा सकते हैं। वायरस का अर्थ होता है विषाणु। हिंदी में जो प्रॉपर वर्ड है वो है विषाणु। वायरस का अर्थ होता है विषाणु। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। इसका अर्थ देख लेते हैं। अकोशिकीय मतलब उनमें एक सेल नहीं होता, कोशिकाएं नहीं होती। अति सूक्ष्म मतलब कि बहुत छोटा है, जीव है जो जीवित कोशिकाओं मतलब आपके लिविंग सेल्स में जाके वो वंश वृद्धि मतलब रेप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो वंश वृद्धि वो करता है आपके अंदर जाके, जब वो बाहर है, जब सराउंडिंग में है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये होता है, इस तरह का वायरस होता है। आजकल COVID-19 भी इसी तरह से दिखता है। ज़्यादातर वायरस इसी शेप में होते हैं, राउंडेड होते हैं और इनके पोर्स निकले हुए होते हैं। इन पोर्स के कारण ये आपके सेल से कनेक्ट हो पाते हैं। अलग अलग वायरस अलग अलग सेल टाइप से कनेक्ट होते हैं। पहले वो बॉडी में एंटर करते हैं, उसके बाद वो सेल्स से कनेक्ट हो पाते हैं। ये अलग अलग तरह के वायरस हैं। अब देखिए, वायरस कहीं भी हो सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में वायरस हो सकते हैं, आपके खाने में वायरस हो सकते हैं, सामने वाले के हाथ में वायरस हो सकते हैं। आप जब सूंघते हैं तब वायरस अंदर आ सकता है, जब आप खाना खाते हैं या बोलते हैं तब वायरस आ सकता है, आपके कान में से भी वायरस अंदर जा सकता है। वायरस आपको कहीं भी मिलेगा, वो इंसानों के ऊपर हो सकता है, जानवरों के ऊपर हो सकता है या प्लांट्स के ऊपर भी हो सकता है। वायरस बहुत छोटा होता है जैसा कि हमने पहले भी बताया था, और ये है आपका सेल मतलब कोशिका, और सेल में अंदर जाकर जो वायरस है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। ये देखिए, ये आपको जो येलो ये दिख रहा है जो पिंक कलर का, ये एक सेल की बाउंड्री है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के पास में ये वायरस है, तो ये वायरस अपने जो रॉड्स हैं उनको यूज़ करके सेल में अंदर जाने की कोशिश करता है। एक बार वो सेल में घुस जाता है, उसके बाद वायरस एक घुसा था, अब ये तीन हो गए, तो अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। वायरस में डीएनए होता है जिससे ये रेप्लिकेशन करता है। डीएनए हमारे अंदर भी है, वायरस में भी डीएनए होता है, जिससे हमारी बॉडी को पता नहीं चलता कि कब वायरस मल्टीप्लाई हो गया। वायरल डिसीजेज में आ जाते हैं। वायरस के कारण बहुत सारे डिसीज होते हैं जिनको कहते हैं विषाणु जनित रोग। पहला देख लेते हैं, पहला है HIV। ये बहुत कॉमन है। इसकी हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में फुल फॉर्म सेम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका मतलब है, ये वायरस है, देखिए HIV वायरस है, वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब ह्यूमन के इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी लेकर आएगा, मतलब नुकसान पहुंचाएगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब बाहर से लिया जा रहा है, एक्वायर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब कि आपको कुछ होगा, आपको सिम्टम्स मिलेंगे, आपको कुछ बीमारी होगी इम्यूनो डेफिशिएंसी से रिलेटेड, जो आप एक्वायर कर रहे हैं बाहर से, ना कि आपकी बॉडी, एड्स आपकी बॉडी के अंदर से, मतलब HIV आपकी बॉडी के अंदर से नहीं आ रहा है, वो बाहर से आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है। देखिए HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अभी फिर से बता देता हूँ, HIV वायरस है, एड्स बीमारी है। HIV वायरस है और एड्स बीमारी है। देखिए, इस ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, मतलब प्रतिरक्षा
प्रणाली को। इसमें टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स में डिटेल में नहीं जाएंगे, टी सेल्स को इम्पैक्ट करता है। टी सेल्स जो होते हैं आप हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और हमें अलग अलग बीमारियों से बचाने में काम आते हैं। तो ये टी सेल्स को ख़त्म करना चालू कर देता है HIV वायरस जो है, और हमारे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर बना देता है। एड्स 3 तरह से स्प्रेड हो सकता है। एक है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, जब नर और मादा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आए, सेक्स किसी भी टाइप का हो सकता है, ओरल हो या कॉन्टैक्ट वाला हो, जो भी हो। सिरिंज या इंजेक्शन के थ्रू ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाए, मतलब कि वही सिरिंज जिसको एड्स था उसे लगाई गई, वही सिरिंज आपको लगा दी जाए, या किसी एड्स वाले व्यक्ति का ब्लड आपकी बॉडी के अंदर दे दिया जाए, या फिर बर्थ से होता है। तीसरा कारण है जिसमें जैसे कि माताजी को है तो जो बेबी पैदा होगा उसको भी एड्स होगा, यदि माताजी को है तो। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्फ्लुएंजा। अब इसमें क्या है, बीमारी का नाम है फ्लू, मतलब कि सर्दी जुखाम जिसको फ्लू बोलते हैं, और जो वायरस है उसका नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस है, बीमारी है फ्लू। ये जनरली कफ और स्नीजिंग से होता है, मतलब जिनको इन्फ्लुएंजा है वो छींकते हैं या खांसते हैं तो वो सामने वाले को भी इन्फ्लुएंजा कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा A, B और C 3 तरह के होते हैं और हमारे अंदर इन्फ्लुएंजा ए पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा ह्यूमंस को पहले इम्पेक्ट करता है, और कॉमन इन्फ्लुएंजा में इन्फ्लुएंजा ए जैसे कि H1N1, देखिए बहुत कॉमन है, बर्ड फ्लू बहुत कॉमन है और H1N1 भी आ चुका है। तो बर्ड फ्लू 2004 में आया था और H1N1 मतलब कि स्वाइन फ्लू आपका 2009 में आया था, ये भी इन्फ्लुएंजा के प्रकार हैं। ठीक है, एक तरह के इन्फ्लुएंजा हैं, H1N1 स्वाइन फ्लू में और H5N1 बर्ड फ्लू में, दोनों में आपको सर्दी जुखाम खांसी ही होंगे। ये सीजनल होते हैं और ये रेगुलर बेसिस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन्फ्लुएंजा याद रखना है, इन्फ्लुएंजा वायरस। उसके बाद आपको इसके प्रकार याद रखने हैं कि हमारे अंदर A, B और C होते हैं, साथ में H1N1 स्वाइन फ्लू है और H5N1 बर्ड फ्लू है। H1N1 स्वाइन फ्लू 2009 में आया था और H5N1 बर्ड फ्लू 2004 में आया था। आगे बढ़ते हैं, हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस। तो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन सबको लगता है बचपन में, इसमें हेपेटाइटिस बी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें थोड़े से अंतर हैं, हेपेटाइटिस से कम समय के लिए होता है, हेपेटाइटिस बी भी कम समय के लिए होता है, लेकिन हेपेटाइटिस भी कई केसेस में क्रोनिक हो सकता है, मतलब लंबे समय के लिए हो सकता है, और हेपेटाइटिस सी हमेशा लंबे समय के लिए होता है, लेकिन एक्यूट मतलब कम समय के लिए और क्रोनिक मतलब लंबे समय के लिए। हेपेटाइटिस बी जो है सबसे आराम से फैल जाता है, ठीक है, ए बहुत आराम से फैलता है, सी मुश्किल फैलता है, इसलिए हमें हेपेटाइटिस बी के ज़्यादा पेशेंट्स मिलते हैं। अगला देखते हैं इसके बारे में, ये खाने के साथ, पानी के साथ, मतलब पानी जो पी रहे हैं उससे फैल सकता है, खाने के साथ फैल सकता है, और तमाम अलग अलग जरिए हैं जिससे ये फैलाया जा सकता है। आपको इतना याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो दोनों क्रोनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगते हैं आपको। देखिए, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स बहुत कॉमन हैं, बहुत फेमस हैं। स्मॉल पॉक्स तो अब है नहीं, रहा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि स्मॉल पॉक्स किस वायरस से फैलता है। तो स्मॉल पॉक्स का वायरस है वेरियोला वायरस, यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं वेरियोला वायरस दिया हुआ है। स्मॉल पॉक्स को 1980s में इरेडिकेट कर दिया गया था। उसके बाद में चिकन पॉक्स जो है, चिकन पॉक्स का जो नाम है वायरस का वो है वेरीसेला वायरस। तो आपको दो नाम याद रखने हैं, स्मॉल पॉक्स का वेरियोला वायरस, चिकन पॉक्स का वेरीसेला वायरस। आगे देखते हैं पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस का सीधा अर्थ है पोलियो। पोलियो वायरस एक एंटीरोवायरस है जो आपके बॉडी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में जाता है। इसका ये मतलब है कि आपके खाने के थ्रू आपके पेट में और आपकी आंतों में चला जाएगा। पोलियो की आपकी दो बूंद जिंदगी की डलती हैं, उससे पोलियो हट जाता है और आपको पोलियो नहीं होता। मेनली पोलियो आपके स्टमक में और इंटेस्टाइन में, मतलब कि पेट में और आंतों में इम्पैक्ट डालेगा। पोलियो से प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो बॉडी है वो फंक्शन करना बंद कर देती है, आपको पैरालिसिस भी हो सकता है।
ठीक है। अगला देखते हैं मीजल्स। मीजल्स में बहुत इन्फेक्शन होता है और इलनेस आपको बहुत होगी, और जो मीजल्स को जो इम्पैक्ट करता है उस वायरस को कहते हैं रुबेला वायरस। देखिए मीजल्स बीमारी है और रुबेला वायरस आपका वायरस है, ठीक है। तो मीजल्स बीमारी को कॉज करेगा रुबेला वायरस। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है, बस केयर लेना पड़ता है। ज़्यादातर वायरस ऐसे ही होते हैं जिनके केयर मिलते नहीं है। अगला देख लेते हैं डेंगू। ये जो रिलेटिवली न्यू है, डेंगू ट्रांसमिट किया जाता है एक फीमेल मॉस्किटो की बाइट से। मतलब जब तक वो फीमेल मॉस्किटो आपको बाइट नहीं करेगा तब तक आपको डेंगू नहीं होगा। इसलिए कहते हैं डेंगू मच्छरों से होता है, ठीक है। द मॉस्किटो विच टिपिकली बाइट्स ह्यूमंस इन द डे लाइट आवर्स कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ इट्स पेक्यूलियर वाइट स्पॉटेड बॉडी एंड लेग्स। इससे बचना थोड़ा आसान है, ठीक है। समर सीजन में ये ज़्यादा फैलता है। आपको ये मलेरिया जैसा बिल्कुल भी नहीं है। डेंगू अर्बन एरियाज में भी बहुत पाया जाता है, अब थोड़ा कम हो गया है। डेंगू में आपके ये अर्बन एरियाज में फैलेगा और जो इन्फेक्शन होगा उसमें सर दर्द होगा आपको और बुखार आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। हेमरेज मतलब ब्रेन में दर्द, उसको हेमरेज बोलते हैं, ठीक है। ये फटाल हो सकता है, अगर ये ज़्यादा देर तक ट्रीट नहीं किया गया तो आपकी डेथ भी हो सकती है। इसमें हैवी ब्रेन में पेन ज़्यादा बहुत होता है और ये ब्रेन को सीधे इम्पेक्ट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं चिकनगुनिया। ध्यान रखें चिकनगुनिया अलग है और डेंगू अलग है। चिकनगुनिया डिसीज किस तरीके से हो सकता है, अगेन ये भी एक मच्छर और या फिर हम कह सकते हैं मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होता है। मॉस्किटो के नाम दिए गए हैं एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस। ये इन्फेक्शन जो है डायरेक्टली अदर पर्सन को नहीं फैल सकता, मतलब कि अगर आपको है तो सामने वाले को नहीं होगा, चिंता करने की बात नहीं है। ये मच्छर जब आपको आकर काटेगा तभी आपको चिकनगुनिया होगा। सिम्टम्स चिकनगुनिया के ये हैं कि आपको अगेन फीवर होगा, जैसे डेंगू में फीवर होता है और यहाँ भी फीवर होता है, लेकिन अंतर ये है कि जो ब्रेन में जो दर्द होता है जो डेंगू में होता है वो चिकनगुनिया में नहीं होता। और ध्यान रखें कि डेंगू में आपकी प्लेट्स कम हो जाती हैं लेकिन चिकनगुनिया में प्लेट्स कम नहीं होती हैं। आखिरी देख लेते हैं रेबीज़। और रेबीज़ वायरस जो होता है, रेबीज़ वायरस किसी जानवर के काटने से होता है, जनरली डॉग्स के काटने से ज़्यादा होता है, लेकिन दूसरे जानवर भी अगर आपको काट ले तो आपको रेबीज़ हो सकता है। जैसे कैट बैट या फिर दूसरे वाइल्ड एनिमल्स आपको काट ले तो आपको रेबीज़ हो सकता है। रेबीज़ का वैक्सीनेशन होता है, रेबीज़ के इंजेक्शन लगते हैं, पहले 14 लगते थे अब 4 फिर अब 2 हो गए, ठीक है। तो अलग अलग वैक्सीनेशंस आ गई हैं एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने के लिए। इन कंक्लूजन हम ये देख सकते हैं कि कॉमन कोल्ड जो होता है, कॉमन कोल्ड मतलब कि सादा जुखाम जो होता है वो राइनो वायरस से फैलता है। हेपेटाइटिस बी में मैं आपको बता चुका हूँ। रेबीज वायरस बाइट से फैलता है। पोलियो में आपको पैरालिसिस हो सकता है। स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया गया है 1980s के आसपास। और येलो फीवर एक वायरल हेमरेज फीवर है जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो से होता है। येलो फीवर में आपकी बॉडी थोड़ी पीली पड़ जाती है। ये हमारा कंक्लूड हुआ वायरल डिसीजेस का। ध्यान रखें मेन HIV एड्स पर ज़्यादा ध्यान दें और बाकी के वायरसेस के नाम भी याद रख लें। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें, नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप शेयर करते रहें, घर पे रहें, साफ रहें, शुद्ध रहें और घर पे ही रहें।